दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलीप्राइम के एक बेहतरीन फीचर के बारे में जिसका नाम है जॉब पोस्टिंग। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये जॉब पोस्टिंग होती क्या चीज है। दोस्तों जॉब पोस्टिंग एक ऐसा फीचर है जिसकी मदद से आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से मान लीजिए कोई कस्टमर है जो कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई बिल्डिंग बनवाना चाहता है, तो उसके अंदर कितना कितना क्या क्या मटेरियल लगेगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर उसकी कॉस्टिंग डिसाइड कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसका एक्सपेंस निकालने के बाद अपना प्रॉफिट ऐड करने के बाद उसे उस सामान का प्रोडक्शन करके आप उसे बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप टेलीप्राइम के अंदर किस तरीके से कम्प्लीटली करेंगे आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपको ये पूरा कम्प्लीट प्रोसेस सही से समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के नाम से एक प्रोजेक्ट लिया है जिसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यहाँ पर उसे एक 100 गज का मकान बना करके दे रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कस्टमर की जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसे 3 बेडरूम चाहिए, एक किचन चाहिए, एक बाथरूम चाहिए और एक ड्राइंग रूम चाहिए। इसके हिसाब से हमें यहाँ पर 100 गज का उसे एक प्लॉट बना करके देना है। टेलीप्राइम के अंदर हम किस तरीके से यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे, अपने गोडाउन को यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और वाउचर टाइप के अंदर हम किस तरीके से जॉब कॉस्टिंग में ट्रांसफर और कंजप्शन का यहाँ पर वाउचर टाइप क्रिएट करेंगे, ये आज हम यहाँ पर सीखेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है जो कि हमारे इस बिल्डिंग को बनाने में यहाँ पर ये सभी मटेरियल यहाँ पर यूज होगा। दोस्तों वैसे तो बिल्डिंग बनाने में इसमें बहुत सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने यहाँ पर 6 आइटम यहाँ पर लिए हुए हैं। इन्हीं आइटम की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से टेलीप्राइम के अंदर जॉब कॉस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो हमने यहाँ पर कुछ लेजर्स लिए हैं, जो ये लेजर्स हमें यहाँ पर टेलीप्राइम में क्रिएट करने होंगे। तो चलिए अब हम इसे प्रैक्टिकल तरह से टेलीप्राइम में करके देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करनी है, और कंपनी का नाम मान लीजिए हम यहाँ पर रख देते हैं जॉब कॉस्टिंग। मेलिंग नेम में आपको सेम नाम रहने देना है, यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का फुल एड्रेस फिल कर देना है। तो दोस्तों रैंडमली हमने यहाँ पर एक एड्रेस फिल कर दिया है क्योंकि हम इसे एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर आपको अपना पिन कोड टाइप कर देना है, और इसके बाद यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर टाइप कर देते हैं। तो रैंडमली हम यहाँ पर एक नंबर टाइप कर ले रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर फिल करना है, तो हम यहाँ पर रैंडमली एक मोबाइल नंबर फिल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने एग्जांपल के लिए एक फैक्स नंबर फिल कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर हम अपनी एक कंपनी की ईमेल आईडी फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम रैंडमली एक ईमेल आईडी डाल रहे हैं, और यहाँ पर हमें कंपनी की वेबसाइट डाल देनी है, तो यहाँ पर हम अपनी कंपनी की वेबसाइट फिल कर देते हैं। कंपनी की वेबसाइट डालने के बाद हम यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी फीचर एलोकेशन विंडो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी, और ऊपर आपको यहाँ पर मैसेज दिखाई देगा कि आपकी जो कंपनी है वो यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट कर दी गई है। अब यहाँ पर हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ फीचर्स को एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अनेबल कॉस्ट सेंटर का, इसको आपको यहाँ पर यस करना है, और उसके बाद आप जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा अनेबल जॉब कॉस्टिंग का, इस वाले ऑप्शन को भी आपको यहाँ पर यस करना होगा। तो हम इसे भी यहाँ पर यस कर लेते हैं, और उसके बाद कंट्रोल ए की मदद से हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी कंपनी यहाँ पर सक्सेसफुली क्रिएट कर दी गई है। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पर अपने कुछ लेजर्स क्रिएट करने होंगे और कुछ यहाँ पर कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने होंगे। तो इसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। क्रिएट ऑप्शन पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर कॉस्ट सेंटर दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कॉस्ट सेंटर को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको अपना कॉस्ट सेंटर टाइप कर देना है। तो हमारे केस में आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो अपना कॉस्ट सेंटर रखा है वो यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रखा है, क्योंकि हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर वही नाम रखते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ पर इसे अंडर ऑफ प्राइमरी देते हुए यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहूंगा। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग का आपको एक ऑप्शन यहां पर दिखाई देगा, इसे आपको यहां पर यस करना होगा। दोस्तों अगर आपकी टेलीप्राइम में ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देता है तो यहां पर आपको अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करना होगा। F12 प्रेस करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सेट जॉब कॉस्टिंग
फॉर कॉस्ट सेंटर्स। तो इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर यस करना होगा। यस करने के बाद आप यहाँ पर इस ऑप्शन को देख पाएंगे और इसके बाद आपको इसे वाई प्रेस करके इसे एंटर करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ पर स्कैप करके बाहर आ जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पर गोडाउन को क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर गोडाउन पर आने के बाद इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्रिएट न्यू का। तो यहाँ पर हम क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पर ओके करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना गोडाउन टाइप कर देना है। तो दोस्तों हमारे केस में जो हमारा गोडाउन का नाम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं संत नगर है। तो हम यहाँ पर संत नगर को टाइप करेंगे। संत नगर लिखते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, इसे अंडर ऑफ प्राइमरी देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स दिखाई देंगे। और दोस्तों अगर ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर ना दिखाई दें तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर इन सभी ऑप्शन को यस कराया हुआ है। तो आपको इन पाँचों ऑप्शन को यस कर देना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस दिखाई दे जाएंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर चाहें तो आप अपने गोडाउन का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे ब्लैंक छोड़ते हुए एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा सेट जॉब प्रोजेक्ट फॉर जॉब कॉस्टिंग। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में हमें यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यानी जो भी हमने कॉस्ट सेंटर यहाँ पर बनाया था उस कॉस्ट सेंटर को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसे यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से स्कैप करके फिर से बाहर आना है और इसके बाद यहाँ पर हमें अपने सभी आइटम्स को क्रिएट करना है। तो दोस्तों इसके लिए हम सीधे चले जाएंगे स्टॉक आइटम पर। स्टॉक आइटम पर आने के बाद हम यहाँ से वापस से अपने एमएस वर्ड में आएंगे और यहाँ पर हमने जो भी आइटम्स यहाँ पर क्रिएट करने हैं वो सभी आइटम्स यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला आइटम हमारा ब्रिक था यानी ईंट थी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ब्रिक को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, अंडर ऑफ हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर आपको आना है और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पर आपको टाइप कर देना है रॉ मटेरियल। टाइप करने के बाद आप इसे एंटर करके या फिर चाहें तो कंट्रोल ए की मदद से आप इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हम किसी भी जीएसटी का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सीधे हम इसे सेव कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी यूनिट आपसे यहाँ पर मांगी जा रही है। तो यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाकर के आप यहाँ पर इसकी यूनिट क्रिएट कर दीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो यूनिट हमने लिखी है वो यहाँ पर नोज लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम NOS नोज टाइप करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर फॉर्मल नेम आप टाइप कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं नंबर्स और उसके बाद एंटर प्रेस करके हम यहाँ पर नंबर्स को सेलेक्ट करते हुए यानी नोज को सेलेक्ट करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर भी आपको कंट्रोल ए की मदद से इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पहला आइटम क्रिएट कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर अपने बाकी के सभी आइटम्स को यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पर दूसरा आइटम हमारा डस्ट है, तो हम यहाँ पर डस्ट लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, अंडर ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे और डस्ट हमारा किस यूनिट के अंदर आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डस्ट हमारा आता है फीट के अंदर। तो हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे फीट को और उसके बाद इसे अंडर ऑफ यहाँ पर स्क्वायर फीट देते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और इतना करने के बाद आप यहाँ पर कंट्रोल ए करके इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। दोस्तों इसी तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो अगला आइटम है वो सैंड है यानी रेत है। तो हम यहाँ पर रेत को सिलेक्ट करते हुए रॉ मटेरियल देंगे, यह भी हमें फीट में मिलता है तो इसे भी हम कंट्रोल ए की मदद से यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से सीमेंट यहाँ पर देख सकते हैं जिसकी यूनिट बैग्स है, तो यहाँ पर हम सीमेंट रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे, अंडर ऑफ रॉ मटेरियल रखेंगे और यहाँ पर एक यूनिट क्रिएट करेंगे BAG बैग के नाम से और यहाँ पर हम बैग्स टाइप कर देंगे। चाहे तो आप यहाँ पर भी बैग्स ले सकते हैं, उसके बाद इसे यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर भी कंट्रोल ए की मदद से आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। दोस्तों इतना करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट आइटम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं आयरन रॉड है और ये हमें केजीज में मिलता है। तो हम यहाँ पर आयरन रोड रखते हुए इसे एंटर प्रेस करेंगे, अंडर ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे और यहाँ से एक नई यूनिट क्रिएट करेंगे केजीज की। केजीज लेते हुए हम यहाँ पर केजीज को सेलेक्ट करेंगे यानी किलोग्राम्स को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए की मदद से इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर देंगे और यहाँ पर ही हम कंट्रोल ए की मदद से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं नेक्स्ट आइटम हमारा कंक्रीट है जो कि हमें फीट में मिलता है। तो हम यहाँ पर कंक्रीट को क्रिएट करेंगे, रॉ मटेरियल लेंगे और यहाँ से फीट को लेते हुए कंट्रोल ए की मदद से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने रॉ मटेरियल्स क्रिएट कर लिए हैं। इसके बाद हमें यहाँ से स्कैप करके बाहर आना है और इसमें हमें कुछ लेजर्स को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ से हम जाएंगे लेजर्स वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट करते हैं मोहन कुमार। तो दोस्तों हमने यहाँ पर मोहन कुमार का लेजर क्रिएट कर लिया है, इसे अंडर ऑफ डाल देंगे हम सेकेंडरी डेबिटर के और यहाँ पर हमें कंट्रोल ए की मदद से इसे यहाँ पर सेव कर लेना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरी जो पार्टी हमारी वो है दीपक सिंह। तो हम यहाँ पर दीपक सिंह को यहाँ क्रिएट करेंगे, इसे अंडर ऑफ डालेंगे सेकेंडरी
क्रेडिटर के, और इसे यहाँ पर कंट्रोल ए की मदद से एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हमें एक परचेज का लेजर बनाना है और एक सेल का लेजर बनाना है। तो हम सबसे पहले परचेज का लेजर क्रिएट कर लेते हैं और अंडर ऑफ डाल देंगे इसको परचेज अकाउंट के, और इसे कंट्रोल ए की मदद से यहाँ पर सेव कर देंगे। दूसरा लेजर हम यहाँ पर बना लेते हैं सेल्स का, अंडर ऑफ सेल्स अकाउंट डालेंगे और यहाँ पर भी कंट्रोल ए की मदद से इसे सेव कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक और लेजर है जो कि लेबर चार्जेस है। तो यहाँ पर लेबर का चार्जेस लेते हुए इसे डायरेक्ट एक्सपेंस रखते हुए हम यहाँ पर इसे कंट्रोल ए की मदद से सेव कर देंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम दूसरा अपना जो एक्सपेंस है यानी ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस है, इसे भी यहाँ रखते हुए, डायरेक्ट एक्सपेंस रखते हुए इसे यहाँ पर सेव कर देंगे। तो दोस्तों लेजर्स हमने यहाँ पर प्रॉपर क्रिएट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ से स्कैप करके बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर क्रिएट करना है वाउचर टाइप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाउचर टाइप का नाम जो हमने यहाँ पर रखा है वो जॉब कॉस्टिंग ही रखा है। आप अपने हिसाब से जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से चले जाते हैं वाउचर टाइप के अंदर। वाउचर टाइप में आने के बाद हमने यहाँ पर रख दिया जॉब कॉस्टिंग और इसे अंडर ऑफ डालेंगे स्टॉक जनरल के। इसके बाद एंटर करके आपको यहाँ पर आ जाना है नेम ऑफ क्लास में। नेम ऑफ क्लास में आने के बाद इसकी जो नेम ऑफ क्लास है आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने दो नेम ऑफ क्लास रखी है, पहला ट्रांसफर और दूसरा कंजप्शन। तो यहाँ पर हम ट्रांसफर रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको ट्रांसफर को वाई प्रेस करते हुए एंटर प्रेस कर देना है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो दूसरा वाउचर टाइप है वो कंजप्शन है। तो कंजप्शन को रखते हुए हम यहाँ पर कंजप्शन वाले ऑप्शन को वाई प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे और इसके बाद इसे एंटर करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लेजर्स हमारे प्रॉपर तरीके से क्रिएट कर दिए गए हैं। अब इसके बाद हम स्कैप करके बाहर आएंगे और अब यहाँ पर आकर के हम अपनी वाउचर में आकर के एंट्री पास करेंगे। तो वाउचर में आने के बाद सबसे पहले हमें सभी रॉ मटेरियल्स को यहाँ पर परचेज करना होगा। तो रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करना है, या तो फिर आप चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करके सबसे पहले अपनी पार्टी को सिलेक्ट करना है। दोस्तों यहाँ पर हमें सेंड्री क्रेडिटर को सिलेक्ट करना है। तो दीपक हमारा सेंड्री क्रेडिटर था, तो यहाँ पर दीपक को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ए की मदद से यहाँ पर इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर परचेज के लेजर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये जितने भी आइटम्स हमें दिखाई दे रहे हैं इन सभी आइटम्स को हम यहाँ पर परचेज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ब्रिक को सिलेक्ट करते हैं। इसकी लोकेशन हम यहाँ पर फिलहाल मेन लोकेशन रखते हैं। क्वांटिटी यहाँ पर हम डाल देते हैं 50 लाख और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप रेट दे देते हैं 10 रुपीज़ और उसके बाद इसे हम एंटर प्रेस करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर स्पेस प्रेस करेंगे और दूसरे आइटम को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो दूसरा आइटम हमारा यहाँ पर सीमेंट है, तो यहाँ पर सीमेंट को सिलेक्ट करते हुए मेन लोकेशन में हम यहाँ पर 100 बैग्स यहाँ पर लेंगे और पर बैग का जो प्राइस है वो 350 रुपये है। यहाँ पर हम इसे एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से तीसरा आइटम कंक्रीट है, मेन लोकेशन को रखते हुए क्वांटिटी में हम यहाँ पर 100 फीट रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इसका जो प्राइस आप देख सकते हैं 250 रुपये पर फीट है, तो यहाँ पर हम 250 रुपये पर फीट देते हुए इसे यहाँ पर एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर डस्ट को सेलेक्ट करेंगे, मेन लोकेशन लेंगे। डस्ट की आप क्वांटिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, डस्ट की हमारी जो क्वांटिटी है वो 1000 फीट है और 200 रुपये पर फीट है। तो यहाँ पर 1000 क्वांटिटी रखेंगे और 200 रुपये फीट रखेंगे और उसके बाद इसे यहाँ पर एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा आइटम बचता है वो आयरन रॉड है। आयरन रॉड में हम यहाँ पर मेन लोकेशन रखेंगे। क्वांटिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं आयरन रॉड की यहाँ पर 1000 kgs है, तो यहाँ पर 1000 kgs ले लेते हैं। 35 रुपये पर किलो के हिसाब से हमारा ये आइटम है, तो इसको सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से हमारा जो सबसे लास्ट आइटम है सैंड है, क्वांटिटी यहाँ पर 500 फीट दे देंगे। प्राइस आप यहां पर देख सकते हैं 100 रुपीज़ फीट है, तो यहां पर 100 रुपीज़ फीट देते हुए हम इसे यहां पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हम इसे एंटर करके यहां पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी हम इसे यहां पर सेव कर लेंगे। तो दोस्तों यहां पर हमने गुड्स को परचेज कर लिया है, अब इसे हम यहां पर ट्रांसफर करते हुए कंजप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ट्रांसफर करने के लिए हम यहां पर सबसे पहले अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+F7। Alt+F7 प्रेस करते ही आप यहां पर देख सकते हैं हमने जो जॉब कॉस्टिंग के नाम से यहाँ पर वाउचर टाइप बनाया था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो हम यहाँ से जॉब कॉस्टिंग को सेलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। जॉब कॉस्टिंग को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो यहाँ पर क्लासेस बनाई थी ट्रांसफर और कंजप्शन की,
वो दोनों ही आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रांसफर को इस्तेमाल करेंगे, यानी हम अपने स्टॉक को एक जगह से दूसरी जगह पहले ट्रांसफर करेंगे, यानी जहाँ पर हमारा मटेरियल इस्तेमाल होगा यानी कंजप्शन होगा वहाँ पर हम इसे ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने के लिए हम यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस करेंगे। स्पेस प्रेस करते हुए आपको यहाँ पर वो लोकेशन लेनी है जहाँ पर आप अपना कंजप्शन करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया संतनगर। संतनगर लेने के बाद यहाँ पर आपको अपने सभी आइटम को संतनगर में शिफ्ट करना होगा। तो हम यहाँ पर ब्रिक को सिलेक्ट करते हैं, मेन लोकेशन लेते हैं, कितना आइटम हमें यहाँ पर शिफ्ट करना है वो यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। तो दोस्तों क्वांटिटी डाल करके हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद वापस से दूसरा आइटम को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 बैग हमारे पास सीमेंट है। मेन लोकेशन लेते हुए हम यहाँ पर 100 बैग्स लेते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से नीचे आएंगे, सीमेंट के बाद कंक्रीट भी हमारे पास 100 फीट है, तो यहाँ पर हम 100 फीट लेते हुए एंटर प्रेस करके इसे भी यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से डस्ट आप देख सकते हैं हमारे पास 1000 है, तो 1000 लेते हुए हम इसे भी एंटर प्रेस करेंगे। डस्ट के अलावा आयरन हमारे पास यहाँ पर 1000 है, तो मेन लोकेशन लेते हुए यहाँ पर भी हम 1000 लेते हुए एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं सैंड हमारे पास 500 है, तो 500 लेते हुए यहाँ पर इसे एंटर करके अपने मटेरियल को यहाँ पर संत नगर में शिफ्ट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपना सारा का सारा मटेरियल यहाँ से संत नगर पर शिफ्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसका कंजप्शन करेंगे। तो कंजप्शन को करने के लिए हमें वापस से यहाँ पर Alt प्लस F7 प्रेस करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई देगा कंजप्शन का, इसे सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर ओके कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक तरफ दिखाई देगा सोर्स और दूसरी तरफ आपको दिखाई देगा डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर हमें सोर्स में सबसे पहले मान लीजिए ब्रिक्स को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपने अपना जितना मटेरियल अपना इस बिल्डिंग में लगाया है उतना मटेरियल आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो हम पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इसलिए इसे एंटर प्रेस करते हुए वो क्वांटिटी यहाँ पर फिल कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से सीमेंट के हम यहाँ पर संतनगर में 100 बैग्स यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं, तो उसको भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। इसी तरीके से कंक्रीट के भी आप यहाँ पर 100 फीट्स को यहाँ पर ऐड कर लीजिए। सेम इसी तरीके से जितने भी आपके पास मटेरियल्स हैं उन सभी मटेरियल्स को आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए, जितनी भी क्वांटिटी है। अगर आप यहाँ पर कुछ क्वांटिटी कम भी करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका वो मटेरियल आपके स्टॉक में दिखाई देगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर आयरन के 1000 यहाँ पर केजीज है, तो 1000 केजीज हम यहाँ पर लेते हुए एंटर प्रेस कर रहे हैं, और इसी तरीके से सैंड्स के हम 500 फीट को यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्टिनेशन प्रोडक्शन के अंदर आपको यहाँ पर अगर आप चाहें तो इन्हीं आइटम्स को वापस से ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर कोई भी आइटम ऐड नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ पर केवल एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इतना करने के बाद हमने यहाँ पर अपना प्रोडक्शन कर लिया है। अब इसके बाद हम अपने एक्सपेंसेस को यहाँ पर पे करने वाले हैं, यानी इस बिल्डिंग को बनाने में जो जो एक्सपेंस हमारे हुए हैं उन सभी एक्सपेंसेस को हम यहाँ पर पे करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F5। F5 प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आप पेमेंट किस मोड से कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पेमेंट मोड है मान लीजिए कैश है, तो हम यहाँ पर कैश को लेते हुए यहाँ पर इसे एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से हमारे जो भी खर्चे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन हमारा खर्चा था, मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन में हमने 50,000 रुपये का एक्सपेंस यहाँ पर एक्स्ट्रा किया है, तो यहाँ पर हम अपना 50,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पर डाल देंगे। तो दोस्तों इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक विंडो दिखाई देगी जिसमें लिखा है नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अपने उसी कॉस्ट सेंटर को ऐड करना होगा जिसके लिए हम यहाँ पर इसका एक्सपेंस कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर ये 50,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो स्पेस प्रेस करते हुए हमें यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो हमारा एक्सपेंस था वो यहाँ पर लेबर चार्जेस है। तो लेबर चार्जेस में मान लीजिए हमने यहाँ पर 2,00,000 रुपये खर्च किए हैं, तो 2,00,000 रुपये अमाउंट डालते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। इसी तरीके से स्पेस प्रेस करते हुए यहाँ पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेंगे और इसे एंटर करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने सभी एक्सपेंसेस पे कर दिए हैं और बिल्डिंग का प्रोडक्शन भी हमने यहाँ पर कर लिया है। अब इसके बाद इन सभी चीज़ों को हम कहाँ पर देखेंगे उसे भी आइए जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से स्कैप करके बाहर आना है। यहाँ पर आपको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर, इसके बाद यहाँ पर आपको आना है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जॉब वर्क एनालिसिस, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जितने भी कॉस्ट सेंटर्स होंगे वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो हमारे केस में हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का एक यहाँ पर कॉस्ट सेंटर बनाया था जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसे सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो टोटल एक्सपेंस यहाँ पर हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा माइनस के अंदर, क्योंकि अभी तक हमने अपनी जेब से कोई पैसा यहाँ पर खर्च नहीं किया है, हमने सारा माल यहाँ पर उधार खरीदा है और उधार खरीद करके हमने यहाँ पर बिल्डिंग को बनाया है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो नेट लॉस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 5 करोड़
5,95,000 का हमें यहाँ पर नेट लॉस दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद हम इसे किस तरीके से प्रॉफिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम जब तक इसको सेल नहीं करेंगे तब तक हमें यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा। आप चाहें तो यहाँ पर ऑल्ट F1 की मदद से आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके कितने कितने एक्सपेंसेस यहाँ पर कैसे कैसे किए गए हैं, वो सभी एक्सपेंसेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए इसे 6 करोड़ में बेच देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्कैप करके बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद हम यहाँ से जाएंगे वाउचर्स के अंदर। वाउचर में आने के बाद हमें यहाँ पर एक सेल की एंट्री पास करनी होगी। तो सेल्स के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, सेल वाउचर के लिए आपको यहाँ पर F8 प्रेस करना होगा या तो फिर आप सेल्स वाउचर पर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर सेल वाउचर ओपन हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको अपने यहाँ कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+H। Ctrl+H प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एज वाउचर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एज वाउचर को सिलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले उस पार्टी को सिलेक्ट करना है जिसे आप इस बिल्डिंग को बेच रहे हैं। तो मान लीजिए मोहन कुमार को हम यहाँ पर इस बिल्डिंग को बेच रहे हैं, तो मोहन कुमार को सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर Ctrl+A की मदद से इस विंडो को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर भी Ctrl+A की मदद से इस विंडो को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद हम मोहन कुमार को कितने रुपये में अपनी बिल्डिंग को बेच रहे हैं वो अमाउंट हमें यहाँ पर टाइप करना होगा। तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं 6 करोड़ रुपए। तो दोस्तों 6 करोड़ रुपए टाइप करने के बाद हम यहाँ पर इसे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, तो यहाँ पर आपको न्यू रेफरेंस रखते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं सेल वाउचर आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो सेल को सेलेक्ट करते हुए आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वेंट्री एलोकेशन आपको विंडो दिखाई देगी, जिसमें हमें किसी भी क्वांटिटी या किसी भी आइटम को यहाँ पर सेलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी आइटम का सेल नहीं कर रहे हैं। हम जैसे ही यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर वापस से कॉस्ट विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको स्पेस प्रेस करते हुए वापस से अपना बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है कि आप अपने इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं। इसे सेलेक्ट करते हुए जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर सेल कर दिया है, यानी हमने अपनी बिल्डिंग जो हमने यहाँ पर प्रोडक्शन किया था वो हमने यहाँ पर सेल कर दिया है। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हमें रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्कैप करके बाहर आएंगे, वापस से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आएंगे, जॉब वर्क एनालिसिस में आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्डिंग का स्टेशनरी प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको सेलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर एंटर प्रेस करिए। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं ए में हमें दिखाई दे रहा रिवेन्यू इनकम, यानी हमने जो टोटल इनकम जनरेट की है, यानी हमने जो बिल्डिंग को सेल किया है वो 6 करोड़ रुपए में हमने यहाँ पर इसे सेल किया है। और बी में आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉस्ट यानी एक्सपेंसेस हमें दिखाई दे रहा है, हमने कितनी कॉस्ट यहाँ पर लगाई थी और कितना एक्सपेंस हमने यहाँ पर किया था वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर ए माइनस बी, यानी जो भी हमने रिवेन्यू यहाँ पर जनरेट किया उसमें से माइनस हमारा बी हो गया, यानी कॉस्ट एक्सपेंसेस हमारा माइनस हो गया। टोटल जो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट आपको दिखाई दे रहा है 94,05,000 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो यानी कि हमने इतना प्रॉफिट यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को करने में कमाया। तो इस तरीके से आप टेलीप्राइम के अंदर जॉब कॉस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।